शिवा कट गया, शिवा शिवा इधर आइयो, जल्दी आ। क्या हुआ? कहाँ था भाई, तीन चार बार आवाज लगाई है। क्या हुआ? बैठ दो मिनट यहाँ बैठ। वीडियो में कुछ हुआ क्या? अरे नहीं नहीं वीडियो में कुछ नहीं हुआ बस। अरे देव को पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता यहाँ पे ना, वो डलना था मतलब कॉन्सेप्ट बाय राहुल शर्मा कर दिया। अरे यार वो छह महीने से एक ही डिस्क्रिप्शन है, इसको कितनी बार बोला है मैंने देव और साहिल को, इसको चेंज कर लो, करते ही नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि राहुल पे प्रैंक कर रही हूँ तो राहुल कॉन्सेप्ट कैसे बताएगा, ठीक है ना। नहीं वो मैंने खुद ही चेंज कर दिया, स्टूपिड, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। खैर छोड़, मैं इसके लिए वैसे तुझे नहीं बुलाया, तुझे मैंने किसी और चीज के लिए बुलाया। यार कल ये क्या नाम है, जब तेरी और उसकी आन की लड़ाई हो रही थी, लड़ाई ऐसे मतलब गुथमार टाइप ऐसी मजे में, तो उसने तेरे में ऐसे बजासा दिया। अरे तो वो तो मजाक में हो रही थी ना, दो घूंसे तो मैंने भी मारे थे उसको। अबे तो फिर गाली एंड ऑल तो, हाँ हाँ तो वो गाली एंड ऑल दे रहा था, तू गाली वाली देता नहीं है। दोस्तों में चलता रहता है यार ऐसे हाथी, तो तू भी दे दिया अगर गाली जब वो देता है तो, देखो भी तो रिपोर्ट देना चाहिए ना, ऐसा थोड़ा होता है कि सामने वाले को सुनता रहेगा, तूने कुछ करना ही नहीं है। चलता है चलता है, चल ठीक है। एक सीधा होना और एक सेल्फ रिस्पेक्ट ना होना, उन दोनों में भी तो फर्क आ जाता है ना। अपनी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखा कर, कोई भी तुझ पे आके पैन करके चला जाता है, मतलब क्या समझा हुआ है तुझे, तो कुछ नहीं है। कर देते हैं हर कोई मतलब समझ नहीं आती मुझे कि अगर कोई भी काम कराना होता है सबसे पहले जुबान पे नाम शिवा का होता है, शिवा इस काम को कर दियो, शिवा इस काम को कर दियो। अरे यार अपने काम खुद कर लो, एक आधा काम करा लो, क्या दिक्कत है। मेरा बांटा हुआ है ना, मैंने खुद ही बोला था मैं बाहर से सामान ले आऊं, क्यों आने जाने में थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। अरे वो मैं समझ गई, चल ठीक है नीचे जाना, और जो ऊपर काम करता है वो क्या, यहाँ फ्लैट पे भी तो काम होता है यार, अपने ही तो करते हैं थोड़े बहुत, और साथ देख खाना बर्तन में और सिमरन संभाल लेता है, उसके अलावा सारे काम कौन करता है, तू देव अपना एडिटिंग पे बैठा रहता है, थोड़े बहुत उससे काम नहीं करा सकता तू। अयान क्या करता है, अंदर पड़ा रहता है। करवाता तो हूँ देव से और अयान से। अरे यार मेहमान है, छोड़ना, उसके घर जाएंगे किसी दिन तब करा लेंगे। अच्छा क्यों इतना सीधा है तू, मैं भेजता हूँ, बाहर भेजता हूँ, काम करवाता हूँ। क्या काम करा है सर, मुझे ये बता कि जब से वो यहाँ पर है तूने क्या काम करा है। थोड़ा सा काम बट गया है ना, इसलिए थोड़ा रिलैक्स हो गया, तू और सिमरन लगे रहते हो, अदरवाइज जब तुम और सिमरन नहीं थे तब हम ही तो करते थे दोनों तीनों। कभी कभार कर लिए, मुझे सिमरन ने बताया भी था, एक दिन उसे बर्तन साफ करने को बोला तो पूरे बर्तन उसे साफ भी नहीं हुए, आधे किया और वो भी गंदे किए थे, उसे कुछ करना भी नहीं आता, थोड़ा सिखाई दे उसे। चलता है यार। चलता है, अपने बारे में सोच ठीक है ना, हर किसी की सुनता मत रह, सेल्फ रिस्पेक्ट रख अपनी, अपना एक एटीट्यूड होना चाहिए, तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दी भाई। अरे यार सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं हो तो हंसी मजाक में बोल। चल ठीक है, मान लिया घर के काम बता रहे हैं वो अलग चीज है, अगर किसी से कोई चीज खराब हो गई, किसी ने कहीं गंदा कर दिया, उसके लिए भी आवाज किसको लगती है, शिवा आगे जरा इसे कर दियो, क्यों वो नहीं कर सकता, अगर उससे गंदा हुआ है तो वो खुद साफ नहीं कर सकता, तूने क्यों करना है, हर बार तेको आवाज क्यों लगनी है, नौकर है तो यहाँ का। अरे नौकर वाली बात नहीं है यार, घर में हो गया तो हो गया, क्या वो तो कुछ और काम भी तो कर रहे होते हैं ना वो। अब देख मैं खाली बैठा हूँ तभी तो मुझे आवाज दी है ना, तो अभी तुझसे बात करने के लिए बुलाया मैंने, मतलब कुछ तो समझ यार, ये चीज नहीं होती है कि मतलब दूसरों की सुनते रहो, खुद कुछ मत करो, ऐसे तो डम साउंड करता है। बता ना बहन, तू ही बता क्या करूं मैं। जवाब देना सीख, अगर कोई तुझे उल्टा बोल रहा है तो उनको उल्टे जवाब में ही बोल, सीधा बन के मत रह। तुझे क्या लगता है गुस्सा नहीं आता होगा क्या, ये बता। दो तीन दिन से इतना झेल रहा हूँ ना मैं इसको, अयान को, तो वही तो मैं बोल रही हूँ, जवाब देना सीख, उल्टा बोल दिया कर अगर कोई। फंकी जोकर काएगा, किसी दिन ना दो चार ऐसे मारूंगा जोकर वोकर सब अलग हो जाएगा, फंकी अलग जोकर अलग, कसम से इतनी तेज गुस्सा आती है भाई साहब, जो जितने भी बोलते हैं ना ये, जिसको देखो कुछ नहीं मिल रहा तो चलो भाई शिवा के साथ चले जाओ नीचे तक, बस सब्जी लेने जानी है नीचे से,
पीछे से किसी को बुला लिया, पता भी नहीं चलता साला प्रैंक हो गया। गुस्सा नहीं आती क्या? कुछ भी कोई भी करके चला जाए, कोई भी कुछ भी बोलता है। कभी कभी तो इतनी तेज गुस्सा आती है भाई साहब, जहर वहर दे दूं किसी को। जहर? मैं तो वैसे भी लेट उठता हूँ रात को काम करके, इसकी बात कर रही है तू देव की, देव कुछ नहीं करता। और भाई साहब ऐसा मन करता है ना पूरे का पूरा इसका डेस्कटॉप ही उठा के इसके सर में मार दूं, इसके बीच में ऐसे माला सी बना दूं इसकी। हद्दी है यार भाई, मैंने इतना ऐसा। और भी है तो लॉकडाउन चल रहा है सब घर में, पर ना किसी दिन ना सबको एक एक लाइन से खड़ा करूं और एक ही मारूं आगे वाले के बीच में गोली, तो पार होती हुई जाएगी। ओह नो भाई, गोली वोली कहां पहुंच रहा है? मैं तो जवाब देने की बात कर रही थी कि अपना स्टैंड ले, ऐसे स्टैंड नहीं लेना। अरे यार गुस्सा आती है, अब बता तुझसे ही तो बात कर सकता हूँ और किससे। हद है यार, जिसको देखो वो कर जाता है। ये दोनों सुबह उठते ही चाय पीते हैं, मैं उठता भी नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ लेट नाइट ये सो जाते हैं, मैं सोता नहीं, इनके दूध में ही जहर मिला दूँ। सुबह उठ के तुम और सिमरन चाय बनाती हो, मर जाएंगे अपने आप, मैं उठूंगा भी नहीं। इतने गवाही देने के लिए तुम हो, मैं तो सो रहा था, मैंने कुछ किया ही नहीं। ये ज्यादा नहीं हो गया? अगर पुलिस इंक्वायरी भी हुई तो चाय तुमने बनाई थी। मतलब तू मुझे फंसाना चाह रहा है इसमें? तुझे क्यों फंसाऊंगा यार, तू मत बनी, तुझे बता दिया ना, तू कल से मत बनी। और भाई तू जा कहाँ रहा है? मैंने इतना कुछ करने को थोड़ी बोला। अबे मेरे मन में तो आती है ना, किसी तरह से तुझे शेयर करूंगा। तो गर्मी गर्मी का टाइम है, छिपकली देगी मैंने बाथरूम वगैरह में, तो एक छिपकली पकड़ के मैं दूध में डाल देता हूँ, तो ये रहेगी छिपकली गिर गई थी उसके जहर से मर गई। और भी हैं ये सीनियर हैं भाई साहब, इतने बुरे बुरे तरीके से बोलेंगे। वो तो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए, वरना इनके लिए तो कुछ तगड़ा सोचना पड़ेगा मुझे। ये बाहर जाते रहते हैं ना मनीष भैया वगैरह, इनके तो गाड़ी के ब्रेक ब्रेक फेल कर दूंगा। होता ही क्या, एक तार ही तो निकालना है, चलाते भी थोड़ी सी तेज है। किसी दिन बाहर का टूल लगेगा तो बाहर ही हो जाएगा इनका। हाँ नहीं तो यार तो पागल है, ये क्या सोच रहे हैं भाई मेरे भाई। सुन अब तुझे इतना पता चली गया तो देख, सुन इसमें आईडी पासवर्ड खुले हैं, मुझे आईडी पासवर्ड भी पता है। हाँ। तो बस ये लॉकडाउन खुलने थे, हर चीज प्लानिंग की तरह से होती है। मतलब तो पूरे जो टीएचएफ कंपनी आधी आधी बांट लेंगे, ठिकाने मैं लगा दूंगा सबको, बस तुम मुंह मत खोलियो। भाई सुनना, आधा तेरा आधा मेरा, चल कर इतना खाएंगे जिंदगी भर। सुन तूने मेरी बात, सुन इतना ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। और तू बात कर रही ना देव की, भाई साहब इतना दिमाग खराब कर रखा है ना इसने, मन में तो आता है ट्रक व्रक के नीचे दे दूं, पर ये लगता है यार इकलौता है क्या करूं, फिर वही इंसानियत, दिल से तो अच्छा ही हूं मैं, मन में चीजें आती हैं फिर मैं रुक जाता हूं, नहीं यार इकलौता है बाहर कमाने के लिए मेरे भाई। शाम को ये बालकनी में जाते हैं फोन पे बात करने के लिए, सोच रहा हूं एक आध धक्का ही दे दूं इसको। नीचे चला जाऊंगा, सामान लेने का तो काम मेरा ही है, नीचे चला जाऊंगा, ना कोई कैमरा सीढ़ियों पे ना कुछ, मैं तो नीचे गया था जी, मुझे क्या पता, वहीं से रोड पार चिल्लाऊंगा, अरे गिर गया हमारा कोई, सबको लगेगा ये तो मार्केट से आ रहा था। पहले गिरा के जाऊंगा, फिर नीचे जाऊंगा, फिर रोड पार चिल्लाऊंगा गिर गया। मेरे भाई कितना, मतलब क्या क्या चीजें बोले जा रहे, क्या हो गया? एक सुनने की भी हद होती है यार, गुस्सा नहीं आएगा क्या किसी इंसान को? कोई इंसान अगर सीधा है तो उसे गुस्सा नहीं आएगी? बता, तू भी कल परसों बोल गई थी, फिर तू चुप हो गई, फिर मेरा गुस्सा इतना बड़ा नहीं भाई, वरना बालकनी में तो तू भी जाती है। तो तू मेरे को गिराएगा नीचे? बहन है इस वजह से रुक गया ना मैं भाई, मैं तो तुझे कुछ गलत बोलती भी नहीं हूँ। बोल दिया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोल दिया तो, मैं तो तुझे कुछ बोलती भी नहीं हूँ। तूने ये नहीं बोला था अभी 3-4 दिन पहले, तू मुझे आवाज लगा रही थी, मैं बालकनी में था, तो तूने 2-3 आवाज लगाई होंगी, तूने फिर आती बोला, इतनी देर से बुला रही हूँ सुनाई नहीं दे रहा, इतना तो काफी है। मैं लगता ही तो उसे कल से सीधा अंदर बहुत गुस्सा आता है मुझे, इतनी सी बात पे गुस्सा आ जाता है मुझे भाई। वो तो मैंने फिर मैंने इमेजिन किया कि तू गैस के पास खड़ी है, गर्म पानी वो बल रहा था सर पे डल जाता तो मैंने बस मन में सोचा अब क्या करूं, डाल छोड़ नहीं सकता हूं यार। अब तू बता, इतनी बात तुझे पता चल गई सारी दिल की, मैंने गुस्से गुस्से में बता दी, अभी बता आधा आधा करना है, बस 15 दिन की बात है लॉकडाउन खुलने से, सब कुछ ठिकाने लगा दूंगा। मेरे भाई मेरी बात सुन,
ऐसा कुछ नहीं है, अभी और भी ऐसा कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ है। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे, अभी तू क्या? मैं दोनों कैमरे ड्रॉअर में रख के गया था, ये दोनों कैमरे टेबल पे कैसे आए? और एक का चेहरा मेरी तरफ है जिसे देखो हर कोई पागल बना रहा है। ये करेंगी प्रैंक, बोल ये मेरी तरफ क्यों है? जज्बाती हो गया। एक का लेंस क्या बंद है और एक का खुला हुआ है और वो हमें ही देख रहा है। ये देव ना मुझसे पिटेगा, देव की वजह से वही सब, उसे कैमरा लगाना नहीं आता। जिसे देखो सिवा पे प्रैंक। नहीं यार सोचा बर... अच्छा तूने बिल्कुल कमरे में बिठा के, भाई सब दिमाग कहीं जाए ना कि कमरे में प्रैंक हो रहा है, और आराम से नॉर्मल वीडियो खुली हुई है, बुलाया वीडियो के काम से, मुझे लगा वीडियो के काम से बुलाया, अच्छा हुआ देख लिया। ऐसा कुछ यार मेरे पास वर्ड्स नहीं अभी बोलने को, जो सब कुछ इसने बोल दिया ना। हाँ और सुनो, पहले की चीज सही थी, मैं किसी से गुस्सा वुस्सा नहीं होता, पर जब कैमरा नहीं आ रही बहुत सीधा है, मैं वो ही करता हूँ, तभी तो मैं शौक दिए बोल गया। अरे भाई इतना सीधा ये किसी को कुछ नहीं बोलता, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे भड़काने को कोई इंटेंशन नहीं थी यार, मैं बस मजे ले रही थी बट इसने बट भाई तूने कैसे चेंज किया सब, मैं घूम गई यार। चलो तो दोस्तों।